बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, टंडो आज़म में इस वक्त पोलिंग जारी है, मैं वार्ड नंबर 18 में मौजूद हूं। आइए जरा इनसे बातचीत करते हैं कि वार्ड नंबर 18 में क्या पोजीशन है और क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। मेरा नाम राशिद अली खान, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान। आज हमारे टंडो आज़म वार्ड नंबर 18 से मैं बात कर रहा हूँ। टंडो आज़म पुरअमन पोलिंग चल रही है, चारों तरफ गेमा गेमी लगी पड़ी है। इलेक्शन का दौर बड़ा दौरा, आवाम जो है अवामुन्नास इसको बड़े इंजॉय कर रही है, पूरा अमन पोलिंग चल रही है। लेकिन आज का जो दिन है वो हक और सच की बात करेगा। आपका एक वोट हक और सच की सदाकत करता है, क्योंकि आज हमारे जो वकील साहब फैसल गोरी साहब खड़े, हमने उनकी भरपूर टंडो आज़म बार से हिमायत की है। बीके वाइस प्रेसिडेंट टंडो आज़म बार में हम पहले ही उनकी हिमायत कर चुके हैं, हमने वोट भी उनको दिया है और इंशाल्लाह हक और सच की सदा भी बुलंद होगी। एक वो वकील था जिसने कायदे आलम जिसने मुल्क बनाया था, एक वो वकील है फैसल गोरी जो मुल्क बचाएगा। इंशाल्लाह आज साबित हो जाएगा कि अवाम किस साथ है। वार्ड नंबर 18 टंडो आज़म हक और सच की सदा बुलंद होगी, इंशाल्लाह तराजू जीतेगा। बेस्ट ऑफ लक। ये आपने देखा वकील साहब की बातें सुनी। अच्छा, मैं एक और जगह इधर मौजूद हूँ वार्ड नंबर 18 में, इनसे पूछते हैं कि वार्ड नंबर 18 में क्या पोजीशन चल रही है, टर्न आउट कैसा जा रहा है, वोटर आ रहे हैं कास्ट करने के लिए वोट या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या पोजीशन है इधर? सर, यहाँ पर अभी तो अमन अमान चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग भी सही हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह टर्न और बहुत अच्छा रहेगा और कोई भी मामला किसी किस्म का गड़बड़ में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम बिल्कुल खुशरूसूबी के साथ हो रहा है, सब एक दूसरे से कॉपरेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अंदर भी बहुत अच्छा पुरअमन माहौल के अंदर वोटिंग हो रही है। अच्छा, मैं इधर एक और जगह मौजूद हूँ, इधर बात करते हैं कि ये क्या कहेंगे वार्ड नंबर 18 की पोजीशन क्या चल रही है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वार्ड नंबर 18 की पोजीशन माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, लोग बहुत तावन कर रहे हैं, सुबह से लेके लोग धूप में भी खड़े होकर वोट कास्ट करा रहे हैं और 18 वार्ड में इंशाल्लाह आमिर मरी साहब जीतेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत अच्छी लीड से जीतेंगे, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत से लोग तावन कर रहे हैं। कुछ गलतियां हैं जो वोटर लिस्ट में हैं, उनकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है बहुत से लोगों को, तो मेहरबानी करके आइंदा के इलेक्शन में इस चीज़ों को थोड़ा खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि जेंट्स तो पहुंच जाते हैं और सबसे जो बड़ी तकलीफ़ वाली जो बात है वो ये है कि लेडीज़ की पोलिंग बहुत दूर रखी गई है, इसकी वजह से लेडीज़ को बहुत परेशानी का सामना है। बराए मेहरबानी आइंदा इस चीज़ का एहतियात रखा जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडो आज़म के वार्ड नंबर 18 के अंदर, ये एक भाई मौजूद है मेरे साथ, इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है, ये वोटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की सूरत हाल बहुत अच्छी है और बड़ा जोश व खरोश है लोगों में और वोटिंग जो है जारी है, लोग अपने अपने जो है वर्करों को ला के और पोलिंग स्टेशन में पहुँचा रहे हैं क्या, और ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा, उसके बाद जो भी होगा नतीजे सामने आवाम के सामने आना शुरू हो जाएंगे क्या। किसी किस्म की परेशानी तो नहीं वोटर को? नहीं नहीं, अभी तो किसी किस्म की परेशानी नहीं है क्या, सही है, अभी तक तो हालात बिल्कुल सही चल रहे हैं। इंतजामिया तावन कर रही है? इंतजामिया तो कहीं है कहीं नहीं है, बहरहाल तावन तो है, थोड़ा बहुत तो चल रहा है गाड़ी। मजमुई सूरत हाल सही है? ओके, मजमुई सूरत हाल जो है वो सबके सामने मौजूद है, आप भी देख रहे हो मैं भी देख रहा हूँ क्या, मजमुई सूरत हाल ये है। बहरहाल टर्न आवर जो है वो मेरे 8% भी हो जाए तो बड़ी बात है। अब ये आपने सारे गुफ्तगु सुनी वार्ड नंबर 18 की, अब मुझे इजाज़त दीजिए मेरे कैमरा मैन उज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, WK न्यूज़।